इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी इतनी हाइप्ड अप नहीं है जितनी हाइप्ड अप ये राइवलरी है। कौन सी राइवलरी नहीं समझ आ रहा, मैं बता देता हूँ, श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी। जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग राइवलरी हमको देखने को मिल रही है। फिर चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, या फिर सेलिब्रेशन के मामले में। सेलिब्रेशन में तो मानो दोनों देश के फैंस एक तरफ, दोनों देश के खिलाड़ी एक तरफ, सबके सब ऐसा लगता है एक दूसरे को बस मुंह चुड़ाने का इंतजार करते हैं मैच खत्म हो और हम सेलिब्रेशन से एक दूसरे को छलनी कर दें। भैया मैच खेला गया डलास में और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला श्रीलंका को। नतीजा गया मैच का बांग्लादेश के नाम, जो कि बाद में बैटिंग कर रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ, बहुत क्लोज मैच हुआ। एक बार फिर से एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हमको देखने को मिला। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भैया ये वर्ल्ड कप एक कहीं ना कहीं एक आइडियल वर्ल्ड कप हो सकता है। इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजों के लिए भी कुछ है, इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। अगर आपके पास टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, टेक्निकल तरीके से आपको खेलना आता है, आप साउंड हैं एज अ बैट्समैन, तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। यही चीज़ हमको देखने को मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 124 रन बनाए बॉस, 9 विकेट इनके भी गिर गए थे। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम ने आउट क्लास कर दिया था बॉलिंग में। 124 रन डिफेंड करना ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी पथुम निसंका ने 47 रन 28 गेंदों में ही बना दिए और बाकी टीम ने तो बस कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी पूरा करने का काम किया। गेंद किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, दिख ही नहीं रही थी। बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉलिंग में मुस्तफिजुर रहमान और इशाद हुसैन ने 3-3 विकेट लिए और कहीं ना कहीं गेम पहले ही हाफ में अपनी साइड पर लगा दिया बांग्लादेश की टीम ने। बाद में जब बल्लेबाजी की बारी आई तो ठीक ठाक उन्होंने ख़राब शुरुआत की, बहुत ही ख़राब तरीके से बांग्लादेश की टीम ने शुरुआत की। छोटी छोटी पार्टनरशिप्स होती गई, 10 रन 15 रन 20 रन 5 रन 10 रन, जिस वजह से 19वें ओवर में जाके मैच अपने साइड पे ले गई बांग्लादेश की टीम। और उसके बाद एक बार फिर से हमें एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो ज़रूर देखने को मिला बांग्लादेश के फैंस के द्वारा, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के द्वारा। बांग्लादेश और श्रीलंका की राइवलरी के बारे में मैं बता रहा था आपको शुरुआत में, इनकी राइवलरी शुरू हुई थी निदहास ट्रॉफी से और जो कि अभी तक चलती आ रही है। साल 2018 में निदहास ट्रॉफी खेली गई थी जिसमें दिनेश कार्तिक ने फाइनल में 6 लगा के सौम्य सरकार के खिलाफ वो मैच जीता था। लेकिन आज भी वो राइवलरी चल रही है। शर्मनाक चीज़ है ये श्रीलंका की टीम के लिए, क्योंकि जिस श्रीलंका की टीम से एक समय पर बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स निकले, आज भी वो बांग्लादेश जैसी टीम के साथ कम्पीट कर रही है। और बांग्लादेश की टीम जिसका स्तर क्रिकेट का लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है इन दोनों टीम में से कौन सी टीम आगे सुपर 8 तक जाने वाली है? क्या क्या कितने परसेंटेज चांसेस आप देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग मैच के रिव्यूज़ प्रीव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि मिश्रा कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में।